बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन हज़रात। आज मैं पाँव की एक, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, उसकी कंडीशन के बारे में आपसे बात करूँगा। हमने एड़ियों में दर्द क्यों होता है इसके बारे में तो बात की है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पंजों में दर्द होता है, जो पाँव के पंजे होते हैं उनके अंदर उनको दर्द होता है। और पाँव के पंजों में दर्द होने की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हमारा बड़ा अंगूठा पाँव का, बड़ा क्या, जो उंगलियों में अंगूठा होता है उसको बिग टो कहते हैं। अगर तो बिग टो के अंदर आपको लगे कि मुस्तकिल नहीं बल्कि वक्फे वक्फे से स्वेलिंग हो जाती है, वो सुर्ख हो जाता है, हाथ लगाने से वो गर्म हो जाता है और पूरे जिस्म में एक टेम्परेचर की कैफियत होती है, बुखार की कैफियत हो जाती है, तो ये आम तौर पर गाउट की बीमारी होती है, यूरिक एसिड की बीमारी। असल में यूरिक एसिड की जो असल बीमारी है वो ये है जिसको गाउट कहते हैं। ये अलग बात है कि बाद में ये दूसरे जोड़ों को भी इफ़ेक्ट करती है, बट प्राइमरली जो गाउट है वो बिग टो में होता है। और ये बीमारी जो है ये वक्फे वक्फे से होती है, वो लोग जो डिहाइड्रेट ज़्यादा हों या गोश्त का ज़्यादा, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसी तरह जो दूसरे मुल्कों के लोग अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इसके होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और इसको रोका जाए तो यही तरीका है कि हाइड्रेशन अच्छी रखें आप। तो ये एक पंजों पे, जो पाँव के पंजे हैं उनकी कंडीशंस में एक ये है। अच्छा, हर जो पंजा या जो बिग टो है उसके पेनफुल होने की वजह गाउट नहीं होती, इसकी और बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक जो वजह है वो ये है कि बाज़ औक़ात इसे हम कहते हैं मॉर्टन्स न्यूरोमा। हमारे जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनके दरमियान या बिग टो और उंगली के दरमियान जो नर्व गुजर रही होती है वहाँ पे एक छोटा न्यूरोमा या आप कह लें कि एक छोटा सा ट्यूबरकल बन जाता है और वो जो है वो पेन करता है। और ये वक्फे वक्फे से नहीं होता बल्कि ये कंटिन्यूस होता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो ऊंची हील वाली जूती इस्तेमाल करते हैं, औरतों में, क्योंकि मर्दों में तो ऊंची हील तो थोड़ी कम ही होती है, लेकिन औरतों में जो बहुत पेंसिल वाली हील इस्तेमाल करती है, ये बहुत ऊंची इस्तेमाल करती है, पूरा वेट जो होता है वो पड़ रहा होता है टोज के ऊपर, तो दैट कुड बी वन कॉज। और अगर ये कंडीशन हो तो इसके अंदर एक तो ये आसान तरीका है कि जी आप हील कम कर दें। दूसरा इसका तरीका ये है कि जिस जगह के ऊपर ये पेन हो रहा है उसको आप गर्म मसाज ना करें, आप उस पर बर्फ़ की टकोर करें और अपनी उंगलियों से या अपने अंगूठे से किसी को कह के ये खुद थोड़ा बहुत उसको आप मसाज करें। जब आप प्रेशर उसका, व्हेन यू विल टेक ऑफ द प्रेशर, तो वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम एक और काम भी करते हैं कि हम अपनी जो ऑर्थोपेडिक वर्कशॉप होती है उसमें एक मेटाटार्सल पैड होता है, वो हम जूते के अंदर लगा के दे देते हैं और उसकी वजह से फिर ये दर्द जो है ये कम हो जाता है। वो 5-6 महीने पहनना पड़ता है, प्लस वी हैव टू गिव मेडिसिन, तो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। मेल्स में ये वो लोग जो एथलीट होते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा देर जो खड़े होते हैं, जो अनइवन सरफेस पे बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, उनमें किसी को भी ये हो सकता है। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस होना और इसको डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम गाउट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाउट हमेशा आमतौर पे बिग टो में होता है, ये दरमियान में उंगलियों के दरमियान भी हो सकता है, पाँव की और बिग टो और उंगली के दरमियान भी हो सकता है। फिर इसी तरह हमारे जो पाँव के पंजे हैं ये कुछ और भी कंडीशंस ऐसी हैं, इवन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसके अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर ये टेढ़ा हो जाए, उंगलियां पाँव की टेढ़ी हो जाती हैं, अंगूठा थोड़ा सा मुड़ जाता है, जेड शेप डिफॉर्मिटी आ सकती है, ये भी सारी की सारी जो है इस किस्म का दर्द पैदा कर सकती है। तो इसलिए इसका बेहतरीन तरीका यही है कि गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड,
एंड टेक केयर, अपने फुटवेयर का आप ख्याल करें। हम कपड़ों का तो बहुत ख्याल करते हैं लेकिन जूतों पे हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर अहमियत हम देते हैं तो जूतों की खूबसूरती भी देते हैं। हमें जूतों की कम्फर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।